टू स्टूडेंट्स वंस अगेन स्मार्ट इन्फोटेक वेलकम्स यू टू ऑल माई स्टूडेंट्स एंड ऑल दीवर ऑफ दिस वीडियो एंड डियर स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डे फोर्थ एंड इन दिस क्लास वी विल कवर स्टाइल्स एंड एडिटिंग ग्रुप सो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स हम लोग आज स्टाइल्स को कवर करने वाले हैं तो स्टाइल में क्या होगा वो जानेंगे और फाइन रिप्लेस वगैरह कवर करके फाइनली आज हम लोग होम टैब को फिनिश करने वाले हैं सो so, ओके okay, बिना किसी देरी करें हम लोग अपने टास्क को आगे बढ़ाते हैं स्टाइल्स स्टाइल में क्या है बने बनाए टेक्स्ट डिज़ाइन किए हुए यहाँ पे दिए हुए हैं एक प्रॉपर थीम है एक प्रॉपर फॉर्मेट है आप जिस पे भी लगाना चाहें जैसे इस पे लगाना चाहते हैं इस पैराग्राफ पे सिंपली आपको जाना है जो भी स्टाइल पसंद है उस पर क्लिक कर देना है तमाम अवेलेबल है स्टाइल्स केस मान लीजिए आपको कोई भी स्टाइल इसमें जितनी भी स्टाइल्स आ रही हैं ये कोई स्टाइल नहीं पसंद है एंड यू यू विलिंग टू क्रिएट योर ओन स्टाइल सो एट दैट केस व्हाट विल यू डू तो खुद की स्टाइल बनाने के लिए क्या करोगे आप तो उसके लिए स्टाइल से रिलेटेड मैंने आपको स्टेप्स दे रखे हैं आपके नोट्स में मैं आपको फाइल खोल कर दिखा दे रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखें मैं आपको फ़ाइल आपकी ओपन कर दे रहा हूँ तो मोडिफाई स्टाइल्स करके ऑप्शन मैंने लिखा है और सारे तरीके मैंने लिख दिए क्या है इसका यूज़ यूजिंग दिस ऑप्शन यूज़र कैन ईजली कस्टमाइज हेज स्टाइल एज पर ओन चॉइस यू कैन नॉट ओनली कस्टमाइज़ योर स्टाइल बट आल्सो क्रिएट योर ओन शॉर्टकट की टू अप्लाई स्टाइल इन योर टेक्स्ट और पैराग्राफ आप मोडिफाई जो है स्टाइल करके अपनी ख़ुद की स्टाइल भी बना सकते हैं साथ ही साथ अपनी खुद की स्टाइल की शॉर्टकट की भी बना सकते हैं क्या करना है आपको सिंपल से तीन स्टेप हैं जो स्टाइल्स अभी वहाँ ओपन हो रही थी राइट क्लिक ऑन योर स्टाइल आपको सिंपली करना क्या है पहला किसी भी स्टाइल पे राइट right क्लिक करना है वहाँ से मॉडिफाई करके ऑप्शन आएगा उस पर जाना है और फिर वहाँ अपनी खुद की स्टाइल बना लेनी है हाउ विल यू डू दिस जस्ट कम ऑन योर माइक्रोसॉफ्ट विंडो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दीज आर दी स्टाइल्स और यहाँ पर हम किसी भी स्टाइल पे सपोज हेडिंग टू पे मैं राइट right क्लिक कर रहा एज आई टोल्ड यू मॉडिफाई ऑप्शन आया जैसा कि स्टेप्स में दिया हुआ है यहाँ पर जाएंगे मॉडिफाई में आने के बाद ये हमारा स्टाइल का विंडो है जहाँ पर हम कैसा स्टाइल चाहते हैं जो भी हम चेंजमेंट करेंगे ये हमारा प्रीव्यू है ये हमें बताएगा कि आपकी स्टाइल कैसी बनकर आने वाली है अपनी स्टाइल का कोई नाम देना है नाम दे दें तो मैंने लिख दिया जैसे वेलकम अपनी स्टाइल का नाम अब आपको अपनी स्टाइल पे क्या चीज़ें कैसे चाहिए हैं कौन सा फॉन्ट चाहिए आप यहाँ से फॉन्ट भी अपना डिफाइन कर सकते हैं सपोज मुझे ये फॉन्ट समझ में आया फॉन्ट का साइज़ क्या चाहिए मैंने कहा एटीन फॉन्ट साइज़ चाहिए बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है नहीं करना है कलर कैसा चाहिए मैंने कहा मेरे को ये कलर चाहिए अलाइनमेंट कौन सी चाहिए मैंने कहा जस्टिफाई चाहिए लाइन स्पेसिंग कितनी रखनी है वो मैंने कहा ऐसे से ऐसा चाहिए तो यहाँ पे फॉर्मेट नीचे बनता आ रहा है इसके अलावा इतना आपको चाहिए बस सिंपली ओके okay कर दें बट और एडिशनल कुछ और फॉर्मेटिंग करना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको फॉर्मेट बटन दी गई है फॉर्मेट बटन पे आप क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए और भी बहुत कुछ आप इसके साथ कर सकते हैं जैसे आप बॉर्डर दे सकते हैं बॉर्डर अभी जैसे मैंने पढ़ाया यहाँ पर पढ़ जाएंगे वही विंडो फिर से खुल के आ जाएगी तो आप अपनी स्टाइल पे बॉर्डर दे सकते हैं तो मैंने कहा हाँ मेरी स्टाइल में भाई बॉर्डर भी लग गया है यही वाला ले लिया बॉर्डर जो हम लोग ने बनाया था और क्या होना है आपकी स्टाइल में मैंने कहा कोई टेक्स्ट इफेक्ट चाहिए मैंने कहा हाँ भाई कोई टेक्स्ट इफेक्ट भी आ जाए तो देखिए यहाँ टेक्स्ट इफेक्ट आ गए हैं टेक्स्ट इफेक्ट में जैसे कलर वगैरह की प्रॉपर्टी है ये यह, यहाँ से आप सॉलिड है ग्रेडियंट है ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी कलर की अभी आगे जब मैं शेपिंग पढ़ाऊँगा इंसर्ट में वहाँ फिर से रिपीट होगी तो आप डेमो के लिए अभी यहाँ से कोई भी एक स्टाइल ले लेना ले ताकि आप इसको समझ सकें तो आप अपने टेक्स्ट में मल्टीपल कलर्स वग़ैरह इसकी मदद से लगा सकते हैं देखिए प्रीव्यू आपको दिखाई दे रहा है इसी तरीके से आप अगर इसकी शॉर्टकट की भी बनाना चाहें तो आप शॉर्टकट की पर जाएं हम चाहते हैं हमारी ये स्टाइल एक शॉर्टकट की में कवर हो जाए और जब भी हमें ज़रूरत हो हम बस उस शॉर्टकट की को प्रेस करें और हमारी स्टाइल आ जाए तो शॉर्टकट की आप जब भी बनाइएगा तो ध्यान रखिएगा बेटा शॉर्टकट की बनाने का जो फंडा होगा वो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस कोई भी अल्फ़ाबेट ऐसा मैं रेकमेंड क्यों कर रहा हूँ ऐसा इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि बाकी का अगर आप कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल वी कंट्रोल जेड वॉट एवर इफ सिंपल शॉर्टकट की इफ़ यू आर साइन सो डेफिनेटली दिस शॉर्टकट शॉर्टकट की वॉन्ट वर्क बिकॉज अगर ये शॉर्टकट की आप देते मान लीजिए आपने कंट्रोल सी दे दिया तो कंट्रोल सी से आपका स्टाइल वाला वर्क तो हो जाएगा बट जो कंट्रोल सी से कॉपी होता था वो कॉपी होना बंद हो जाएगा सो दैट्स वाई आई हैव रिकमेंडेड यू टू क्रिएट योर शॉर्टकट की वेरी वेरी यूनिक तो यूनिक बनाने के लिए आप ऑल्ट प्लस शिफ़्ट का इस्तेमाल करें उसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट आप लगा दें तो इस तरीके की आलमोस्ट शॉर्टकट की मौजूद नहीं होती है तो ये इजिली असाइन हो जाएगी तो मैंने देखिए अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और शिफ्ट को दोनों को एक साथ दबाया और उसके साथ मैंने ए ले लिया मेरी इस स्टाइल के लिए मैं ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ए असाइन करना चाहता हूँ ये देखिए अब हमें करना क्या है असाइन करने के लिए यानी इसे अप्लाई करने के लिए असाइन करना होगा ठीक है तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ए और असाइन बटन पे क्लिक करा मैंने क्लिक करने के बाद अब क्लोज़ करेंगे और ओके करेंगे यहाँ से अब इसके बाद आप अपनी स्क्रीन पर ऊपर ध्यान से देखें अपनी स्टाइल वो कस्टमाइज़ हो चुकी है मॉडिफ़ाई हो चुकी है जैसा आपने बनाया अब आपको जो भी स्टाइल जो भी पैराग्राफ ऐसा चाहिए मान लीजिए मेरे को ये फ़र्स्ट पैराग्राफ पे मैंने कर्जर रखा मैं चाहता हूँ मेरा फर्स्ट पैराग्राफ मेरी स्टाइल में आ जाए तो ऑल्ट शिफ़्ट ए दबा दें कीबोर्ड से देखिए वो फटाफट -फड़ वैसे ही हो गया ठीक है फिर से देखें मुझे ये थर्ड वाला पैराग्राफ बनाना है आपकी मैं आप क्लिक करके दिखा रहे हैं यहाँ से ये देखिए बन गया तो आप एक शॉर्टकट की से अपना पूरा स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ वापस से नॉर्मल करने के लिए ये हमारा स्टाइल पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ अब हमारा आगे आता है अच्छा चेंज स्टाइल में भी इसी तरह से आप जो भी स्टाइल है उसका कलर वगैरह आप बदल सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखें इतना कोई खास नहीं है अब हम आते हैं फाइंड उसके बाद रिप्लेस और सिलेक्ट फाइंड में क्या होता है कि आप जो भी पैराग्राफ लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ये हेल्प कर ये सपोर्ट देता है कि आप अपने पैराग्राफ अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी अल्फ़ाबेट कोई भी लेटर कोई भी वर्ड कोई भी लाइन को फ़ाइंड कर सकें तो फाइंड करने के लिए सिंपली आपको करना क्या होता है फाइंड करने के लिए आपको फाइंड पर जाना होता है और फाइंड का शॉर्टकट मैंने शॉर्टकट की में मेंशन कर रखा है कमांड्स में भी मेंशन कर रखा है जो फाइंड है फाइंड का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एफ ठीक है ये आपका शॉर्टकट की में भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी मिलेगा देखिए जस्ट उसी के बाद मैंने कवर किया है ठीक है और उसके बाद रिप्लेस है चलिए एक देखते हैं लिखा है दिस कमांड इज़ यूज टू फाइंड टेक्स्ट एज अ लेटर वर्ड और सेंटेंस इन होल ऑफ़ द डॉक्यूमेंट आपका पूरा जो डॉक्यूमेंट है उसमें आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो तो क्या फ़ाइंड करना है कंट्रोल प्लस एफ़ कीबोर्ड से प्रेस करना या फाइंड पे क्लिक करना लेफ़्ट में आपको नेविगेशन की फाइंड की विंडो आ जाएगी यहाँ पर जो फाइंड करना है वो अपना टेक्स्ट लिख देना मैंने कहा मेरे को फाइंड करके बताओ भाई डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ पर आया है तो जहाँ पर पूरी फाइल में जितनी जगह डॉक्यूमेंट आया होगा ये उसको इस तरीके से येलो हाईलाइट कर देगा और आपको साथ ही साथ यहाँ पे बताएगा भी कौन कौन से पैराग्राफ में आया है देखिए वो कितने बार आया है बता रहा है सिक्स मैचेस टोटल छः बार आया है कहाँ कहाँ पर आया है बता भी रहा है एक याले पैराग्राफ में है एक याले एक याले टोटल छः जगह आया है तो इस तरीके से आप बहुत बेहद आसानी से कोई भी वर्ड लेटर कुछ भी आपको जो फाइंड करना है आप इजिली फ़ाइंड कर सकते हो ठीक है मैं हटा देता हूँ इसे उसी में आगे था हमारा एडवांस फाइंड एडवांस फाइंड में देखिए इस तरीके से विंडो हमारी खुलेगी आप जो हाईलाइट है हाईलाइट ऑल करना है आप ऑल इस तरीके से हाईलाइट इसको चेंज कर सकते हैं आप मतलब थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ पर जो भी है कि मैच केस फाइंड ये मतलब इतना ज़्यादा हमारे यूज़ में आता नहीं है ये सब बहुत ज़्यादा एडवांस ऑप्शन हो जाते हैं जैसे हम इस तरह से फाइंड करना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट फ़ाइंड तो करें मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता दे रहा मैं चाहता हूँ जो डॉक्यूमेंट में डी कैपिटल हो डी कैपिटल हो उसको केवल फ़ाइंड करे तो फिर हम एडवांस फ़ाइंड में यहाँ पर जाएंगे मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दिखा दे रहा समझा दे रहा और अब कि मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा वैसे ही जैसा मेरे को फ़ाइंड करना था डी कैपिटल और मैंने मैच केस को ऑन कर दिया केस का मतलब जो स्मॉल और कैपिटल लेटर है ये अब उसको भी आइडेंटिफाई करेगा और मैंने उसको ऑन कर दिया और मैंने फाइंड करा तो आप देखिए क्या कह रहा है वर्ड हैज़ फिनिश्ड रिसर्चिंग द डॉक्यूमेंट द सर्च आइटम वॉज़ नॉट फाउंड क्योंकि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है ही नहीं ठीक है इसलिए उसने उसको फाइंड ही नहीं किया जो भी वापस से पहले हम हाईलाइट हटा दें तो आपको फिर से ये समझ में आ जाएगा पहले हाईलाइट हटा देते हैं हम लोग यहाँ से क्लियर हाईलाइटिंग तो फिर से फाइंड कराते हैं अब देखिए क्या कह रहा कोई है ही नहीं अब जानबूझकर हम पीछे मान लीजिए डॉक्यूमेंट ये वाले डॉक्यूमेंट को डी कैपिटल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर इसको डी कैपिटल कर रहे हैं तो अब ये एक फ़ाइंड करना चाहिए चलते हैं फिर से हम लोग एडवांस फाइंड पर हमने कहा डॉक्यूमेंट फाइंड करो मैच केस ऑन करा फाइंड पे क्लिक करा अब देखिए उसने पीछे फ़ाइंड कर दिया हाईलाइट करना हाईलाइट कर दीजिए तो देखिए पीछे हाईलाइट कर दिया कह रहा ये एक ही है ठीक है कंट्रोल जेड नॉर्मल कर लिया अब आता है बेटा रिप्लेस रिप्लेस में क्या होता है बहुत सिंपल सा मैं एक लाइन लिख दूँ उसी से आप समझ जाएंगे जैसे मैंने लिखा स्मार्ट इन्फोटेक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर थोड़ा सा इसे रिपीट करा लेते हैं कॉपी पेस्ट की मदद से कंट्रोल सी कॉपी कंट्रोल वी पेस्ट अब हम चाहते हैं जहाँ जहाँ सेंटर आया है वहाँ वहाँ इंस्टीट्यूट हो जाए तो अभी अगर आपके पास ये ऑप्शन की नॉलेज आपको नहीं होगी तो आप हर जगह सेंटर को जो है डिलीट करोगे और फिर जो है इंस्टीट्यूट को फिर से टाइप करोगे इस ऑप्शन के थ्रू आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं आप रिप्लेस पर जाएँ रिप्लेस का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एच होता है यहाँ पर देख लें कमांड यहाँ पर मेन्शन है ठीक है तो वापस आते हैं रिप्लेस का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एच होता है अब देखिए रिप्लेस पर आपको आ जाना है रिप्लेस पर आने के बाद सिंपली आपको करना क्या है एक है फाइंड एक है रिप्लेस फाइंड में आपको वो वर्ड लिखना है जिसको आप बदलना चाहते हैं रिप्लेस में आपको वो वर्ड लिखना है जिस में बदलना चाहते हैं तो हमें बदलना किसे है हमें बदलना है सेंटर को तो हमने ऊपर सेंटर लिखा ठीक है सेंटर को बदलना है तो हमने ऊपर मैच केस बंद कर देना नहीं तो वो पूरा एक एक स्मॉल uh, और कैपिटल भी चेक करेगा तो मैंने कहा मुझे जहाँ जहाँ सेंटर आया है वहाँ वहाँ इंस्टीट्यूट हो जाए तो ऊपर क्या लिखना है जो बदलना है और नीचे क्या लिखना है रिप्लेस में जिसमें बदलना है ऐसा करने के बाद आप जैसे ही रिप्लेस ऑल बटन पे क्लिक करोगे पीछे अपने डॉक्यूमेंट पे देखना वो पूरा का पूरा फटाफट फड़ बदल देगा आपका समय भी बचेगा और आपको पेन लेने की ज़रूरत भी नहीं तो ईज़िली आप आसानी से इस तरीके से टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं फिर सेलेक्ट है सेलेक्ट ऑल वगैरह है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है आप अपना एक साथ मैटर ये जो सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट की शॉर्टकट की मैंने आपको बताई हुई है ठीक है सेलेक्ट ऑल वगैरह है ये आप कर सकते हैं पूरा मैटर एक साथ आपका सिलेक्ट हो जाएगा जैसे हम पूरा ये पूरा एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस ए ये शॉर्टकट होता है सिलेक्ट हो जाएगा एक साथ मैटर सिलेक्ट करने में इसका इस्तेमाल हम करते हैं इसी में एक गो टू भी ऑप्शन आपका फाइंड में बचा था ये गो टू गो टू से आप कहीं पर भी जा सकते हैं जैसे अभी हम मान लीजिए सपोज़ यहाँ पहले पेज पर हैं यहाँ पर ठीक है पहली लाइन पर अब हम यहाँ पर फाइंड पर गए और गो टू पर गए और यहाँ से आप कहाँ जाना है मैंने कहा लाइन नंबर पे जाना है बाकी बुक मार्क कॉमेंट फूट नोट चूकी अभी ये सब आपने पढ़ा नहीं है तो आप इनका इस्तेमाल अभी नहीं कर पाएंगे ये सब अभी आगे इंसर्ट में कुछ चीज़ें मिलेंगी कुछ और आगे मिलेंगी मैंने सिंपल सा लाइन लिया कि मेरे को लाइन नंबर टेन पर पहुंचा दो भाई तो गो टू पे क्लिक करिए आपको ये क्लोज़ करिए देखिए अब जो भी लाइन पर आप हैं ये है लाइन ये ये दस नंबर लाइन है कैसे पता चला देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये दस तो वो हमें दसवीं लाइन पर ले गया तो आज हम लोग ने बेटा अपनी इस वीडियो में होम टैब को कंप्लीट किया हम लोग ने स्टाइल्स बनाना सीखी और एडिटिंग ग्रुप को फाइंड रिप्लेस गो टू ये सब सीखा इस तरह से हमारा आज होम टैब कंप्लीट हुआ है आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा इनकेस कोई प्रॉब्लम कोई डाउट है तो पहले की तरह मुझे आप व्हाट्सएप करें और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐप को शेयर करें डाउनलोड करें वीडियो पसंद आई है उसे हमारे कोर्स के अंदर जाके हमारे कोर्स को लाइक करें और शेयर करें ओके अगली वीडियो में हम लोग अपना नया टैब स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा इंसर्ट टैब होगा तो आज के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे थैंक यू सो मच हेलो